ये रही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, एम एड राइट, और ये रही आपकी वर्टिकल लाइन। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस कह देते हैं और वर्टिकल लाइन को आप वाई एक्सिस कह देते हैं। कमरे के अंदर आप एक कागज का टुकड़ा लीजिए, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बनाते हुए फेंकिए, मोबाइल ना फेंकिएगा अपना, बड़ा काम का है, तो आप देखेंगे कि उसका पाथ न्यू मिलेगा। हालांकि कोई डेरिवेशन करने नहीं जा रहा हूं, बेसिक फिजिक्स बताऊंगा और डायरेक्ट ही जो फार्मूले डेवलप होंगे वो आपको बताऊंगा, उनके डेरिवेशन नहीं करूंगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, केवल एक तरीके से आपका रिवीजन चल रहा है, तो ज्यादातर इंफेसिस न्यूमेरिकल्स पे देंगे लेकिन बेसिक पता होनी चाहिए। तो आपने इसको फेंक दिया तो क्या हुआ, आपने कहा कि सर हमने इनिशियल वेलोसिटी u थीटा एंगल बनाते हुए फेंका, एम एट राइट, ये क्या हुआ, ये आगे बढ़ा, वेक्टर है। सोती सर ने क्या कहा है, वेक्टर अगर एंगल पे है तो क्या करोगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व का मतलब होता है इसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और इसका वाई एक्सिस कंपोनेंट, यही चीज सिखाई थी, रिजॉल्विंग ए वेक्टर, आ गया काम। अब आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि सर ये थीटा है तो ये यू कॉस थीटा होगा, दूसरा कह सकते हैं आप सर ये नॉर्मल है तो यू साइन थीटा होगा, इसी दिन हमने आपको इतना वेक्टर सिखाया था इसी दिन के लिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है जो कि फिजिक्स से बिल्कुल सही उतरती है कि साहब किसी पॉइंट पे आफ्टर टाइम टी आपका पार्टिकल यहां था, तो आपने कहा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहने लगे ये हो जाएगी, एक टेंजेंट खींच दिया आपने यहां से, ये भी एंगल पे तो इसके क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट होंगे, रिजॉल्व कर लेंगे, इसको मान लीजिए अल्फा, तो क्या हो जाएगा ये बेटा, ये हो जाएगा v cos अल्फा और ये हो जाएगा v sin अल्फा। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है कि साहब किसी जब अगर हमको इनिशियल पैरामीटर थीटा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो तो आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी v कितना होगा, x कितना चलेगा हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पे तथा वर्टिकल एक्सिस जो y है उस पे कितना चलेगा, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है और फिजिक्स एग्जैक्टली बताती है, इसीलिए फिजिक्स फिजिक्स है। तो पहली चीज आपने यहां से जैसे ही फेंकी आपने जान ली कि सर अगर हमने कोई पार्टिकल फेंका है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा होगा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट आपका u y sin थीटा होगा। दूसरी बात, कहें सर एक्सीलेशन की क्या सूरत हाल होगी, कहने लगे एक्सीलेशन ax की और ay की। अब देखिए भाई साहब आपका मोशन टू डायमेंशन में हो रहा है और आप कक्षा 8 से लेके अभी तक केवल वन डायमेंशन के फार्मूले पढ़ के आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही फार्मूले लगेंगे जो वन डायमेंशन के पढ़ के आए थे। अब क्या कर देंगे कि वही एक एक्सिस में पढ़ के आए थे, चाहे वो x की हो चाहे y को, वही लगा दीजिएगा एम राइट, और दोनों को क्लब कैसे करेंगे, वेक्टर के मार्फत, और वेक्टर जानते हैं एक्स वाई क्या है 90 डिग्री में, तो उनके इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कर देंगे, तो हमको टू डायमेंशन मोशन जिसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहे हैं उसकी आप स्टडी कर लेंगे। आपने इसको कहां फेंका है, हवा में फेंका है, हवा में फेंका है यानी वाई एक्सिस में फेंका है, तो एक्सेलेरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी गया है तो माइनस हो जाएगी। तो आपने जो इसको जरा सा भी एंगल बना के फेंक दिया यानी अगेंस्ट ग्रेविटी फेंका, ध्यान रखिएगा जरा सा भी एंगल बना के फेंका अगेंस्ट ग्रेविटी फेंका तो माइनस ही हो गया, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन यही नहीं थी, आपने जो इसको हवा में फेंका है अगेंस्ट ग्रेविटी फेंका, इसमें फिर भी कह रहे इधर क्यों चल रहा है, इधर इसलिए चल रहा है कि आपने एंगल पे फेंका तो इसकी वजह से इसको ये वेलोसिटी कंपोनेंट u cos थीटा मिल रहा है। अरे भैया जब इसके पास हाई x एक्सिस में एक्सीलेरेशन नहीं है क्योंकि आपने जो है उसको स्पेस यानी y एक्सिस में फेंका है, तो इसका मतलब है कि जब एक्सीलेरेशन जीरो तो वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, वेलोसिटी कभी चेंज होती है जब बॉडी के अंदर एक्सीलेरेशन हो या रिटार्डेशन हो, एक्सीलेरेशन होगी तो बढ़ जाएगी, रिटार्डेशन हो तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और एक्सीलेरेशन जीरो हुई तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगा।
तो आफ्टर टाइम टी अगर उससे पूछा जाए एक्स कितना चलना, तो आप कह सकते हैं कि साहब क्योंकि एक्सेलेरेशन है नहीं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चला, तो आपने कहा वेलोसिटी इनटू टाइम टी। सोती सर ने एक बात और बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर यहां एक्सेलेरेशन नहीं है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी अगर यू कॉस थीटा है यहां पे भी होगी तो आप कह सकते हैं कि जो बी कॉस अल्फा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यू कॉस थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहां पे भी आगे जा रहा है बेटा, वर्टिकल जीरो हुआ है ऊपर नहीं जा रहा हाईएस्ट पॉइंट पे, आगे जा रहा है तो क्या होगा बेटा यू कॉस थीटा, यहां पे भी आएगा तो वेलोसिटी तो आपकी ये दिख रही है बेटा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल से अगर ये थीटा बना रहा है तो यू कॉस थीटा आपका कांस्टेंट रहेगा, बाकी आपका कुछ भी होता रहे। इसी तरह जब ये यहां टकराएगा तो आप देखेंगे कि उसी एंगल से टकराएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्यों अब हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन ही नहीं है, जब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन नहीं है तो क्या होगा वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट जर्नी, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसी पे कंपटीशन लड़ते हैं, इसी पे सवाल आता है। यानी आप कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट जर्नी, पूरी जर्नी के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान, यहां से यहां तक की यात्रा के दौरान इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलेरेशन ही नहीं है, ये एक्सेलेरेशन जीरो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतना चले जा रहे हैं रंग से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बड़ी एक ब्यूटी चीज है कि जब ये कॉस थीटा है जिस वेलोसिटी से गया है उसी से टकराता है तो ये क्या हो जाएगा, ये यू साइन थीटा हो जाएगा। अब बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा लेकिन आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूं, जब लॉन्ग टर्म कोर्स चलेंगे तब बताएंगे ऐसा क्यों होता है, बहुत सी चीज आपको केवल बताऊंगा। यहां से आप चले थे बेटा, ये कंपोनेंट था, फिजिक्स कहती यहां तक गए, उसके बाद आपका रिवर्स हुआ इधर आए, तो जिस वेलोसिटी से आप गए उसी से आप टकराएंगे, उसी एंगल तक आएंगे, तो इस तरह से यू कॉस थीटा आपका सेम रहेगा, इसका मतलब है कि यू साइन थीटा भी सेम रहेगा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं एक काम कि भाई साहब अगर हम यू वेलोसिटी से जा रहे हैं, एम आई राइट, या बल्कि एक काम ले लीजिए, आप इसका मास मान लीजिए एम, तो आपका जो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्या है mu, ये बराबर क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि m u cos थीटा i m u sin थीटा j। कह लगे फाइनल मोमेंटम जब यहां टकराएगा तब क्या होगा, इसको मान लीजिए v, ये कितना होगा, तो आप देखिए भाई साहब ये आपका m है तो इधर आपको x एक्सिस में क्या मिल रहा है cos थीटा i, यहां पे u sin थीटा प्लस था, ये वाला डायग्राम दिमाग में रखिएगा बेटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, लेफ्ट हैंड साइड प्लस इधर माइनस, यानी ऊपर प्लस है नीचे आया है तो ये माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सवाल बना देते हैं यार, इसकी वैल्यू दे देते हैं कि यार ये 3i प्लस इतना था, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी आपकी 3i प्लस 4j, am I right? कह लगे जब यहां टकराएगी तब कितनी वेलोसिटी होगी, आप कहेंगे सर मान लीजिए भी ओरिएंटल तो कांस्टेंट है,
वर्टिकल भी सिमिलर होगी क्योंकि जिससे जाता है उसी से टकराता है, लेकिन उसका कंपोनेंट क्या हो गया, इनिशियल का देखिए ऊपर जा रहा है, यहां आ रहा नीचे है। अब ये ना कहिएगा कि मोमेंटम में क्या होगा, हमारा एम से गुणा कर देना काम बन जाएगा, इतना आपको आता है। दूसरी बात, यहां पे आपको तीन बातें निकालनी थी, अभी तो आपने मात्र एक बात निकाली। क्या निकाली? यहां पे वेलोसिटी निकालनी थी तो आपने केवल एक्स कंपोनेंट निकाला, यहां पे वाई निकालनी थी अभी निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बी मिल जाएगा। एक्स आपको मिल गया था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो आपको क्या चाहिए था, वाई भी चाहिए था। तो वेलोसिटी निकाल देते हैं सबसे पहले, तो आपने कहा सर वाई के कंपोनेंट में वेलोसिटी कितना होगा, कह लगे v बराबर u, u कितना है, u साइन थीटा से ऊपर गए, अगेंस्ट ग्रेविटी गए। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट कौन सी इक्वेशन है, पैरामीट्री की, ट्रेजेक्ट्री की, y, क्योंकि किसी टाइम t पे उसकी वेलोसिटी, इसकी वर्टिकल पोजीशन क्या थी वो आपको बताना है। y वही लगा दीजिए, y किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है, वन डायमेंशन लगाइए, y इक्वल टू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी से ऊपर गए हो, माइनस अगेन ग्रेविटी गया बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर। तीन चीजें आपको प्राप्त करनी थी कि अगर आपको इनिशियल पैरामीटर मालूम है यू और थीटा, यही फिजिक्स है कि बेटा हमको इनिशियल मालूम है किसी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक्स एक्सिस में कितना चलेगा, वाई एक्सिस में कितना चलेगा, एंगल कितना होगा, सब कैलकुलेट करके धन लोगे और जाके एक्सपेरिमेंट देखना, वही मिलता है, जय हो न्यूटन बाबा की। इसीलिए फिजिक्स जो है जीवित है पिछले 200-300 सालों से। तो आपने कहा सर हमने कैलकुलेशन कर लिए हैं, सीख लिए हैं कि एक्स में यू कॉस थीटा होगा, ये कंपोनेंट ये होगा, ये वाला कंपोनेंट ये हो गया, एम एन राइट, और वाई कितना होगा, इतना होगा, कह लगे बी बताइए, कह लगे अब हमको ज्यादा ना परेशान कीजिए, दो वेक्टर है एक्स और वाई के निकाल ही लिए हैं आपने, ये और ये, हमेशा एक्स वाई क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। कह लगे एंगल बताइए, एंगल भी बता लोगे बेटा, टेन अल्फा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स कि आपको इनिशियल पैरामीटर मालूम थे, आफ्टर टाइम टी आप बकिया चीजें निकाल रहे हैं, उसका एग्जैक्टली वेलोसिटी बता देंगे, किस एंगल पे होगा वो भी बता देंगे, कितनी हाइट पे होगा वो भी बता देंगे, कितना हॉरिजॉन्टल चलेगा वो भी बता देंगे। इसीलिए फिजिक्स जो है वो जीवित है। तो भाई साहब पहले फ्रेम ऑफ माइंड में आपने ये बना लिया, और सबसे पहले हमने तुमको क्या बताया था बेटा, ये याद रखना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी इज कांस्टेंट, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो।